Assalamualaikum children, hope you all are fine. Children, I already explained you this chapter, but for the new edition, we will read this chapter again. The name of the chapter is The Human Body. Open page number 2 and start reading with me. Human body varies in size and shape. People can be tall or short, weak or strong, but all human beings have similar body parts. Our bodies have many parts. बेटा, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ह्यूमन बॉडी के हम सब ह्यूमन बॉडीज जो भी हैं हमारी डिफरेंट शेप्स भी होते हैं, साइज भी होते हैं. कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, किसी को आपने बहुत ज़्यादा फैट देखा है, कोई बहुत ज़्यादा दुबला होता है. लेकिन बेटा, ह्यूमन बॉडी के साइजेस शेप्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके पास अल्लाह ताला ने सेम बॉडी पार्ट्स दिए हैं. आप देखिए, आपके सब दो हाथ हैं, सबके दो हाथ हैं, आपकी दो टांगे हैं, सबकी दो टांगे हैं, लेकिन उनके शेप्स और साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट लाइन, बोन्स. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. अ स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव शेप टू द बॉडी. बेटा, हमारी बोन्स से मिलके क्या बनता है? हमारा स्केलेटन. और स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को खड़ा रखता है बेटा, और हमारी बॉडी को शेप भी देता है. नेक्स्ट लाइन, एवरी टाइम वी वॉक, सिट और ऑन अ चेयर और बैंड, वी आर यूजिंग आवर बोन्स. When we become an adult, we have 206 bones in our body. बेटा, आपको पता है हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं उन्हीं की वजह से हम वॉक करते हैं, हम बैंड होके चेयर पे बैठ सकते हैं, हम चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी ह्यूमन बॉडी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी टोटल बोन्स कितनी होती हैं. Always remember, we have 206 bones in our body. Now turn the page and open page number 3. Okay, page number 3, muscles and joints. Bones do not work alone. They move with the help of muscles and joints. The place where two bones meet is called a joint. Joint help the skeleton to move. They allow us to walk, run, bend or lift things. Beta, look at this picture. पहले भी मैंने आपको explain किया है, ये bone है, ये हमारे मसल है और ये हमारे जॉइंट है. जहाँ पे टू बोन्स मिलती हैं, उसको जो दो बोन्स को मिलाता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट. नाउ स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स, टेक आउट योर पेंसिल एंड राइट द आंसर विथ मी. फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट is made up of dash bones. बेटा, मैंने आपको बताया था हमारी टोटल कितनी बोन्स होती हैं. गिव मी द आंसर. यस, 206 बोन्स. राइट हेयर, 206. द नेक्स्ट ब्लैंक इज, यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स. बेटा, हमें अपनी बोन्स को मूव करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, जिसे हम बैंड कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, कौन सी दो चीज़ें हमारी बोन्स को मदद करती हैं? यस, राइट आंसर हियर, नंबर 1 मसल्स एंड नंबर 2 जॉइंट्स. राइट हियर मसल्स एंड राइट हियर जॉइंट्स.
नाउ नेक्स्ट लाइन, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स. ईच जॉब इज डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन. सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन. बेटा हमारे बॉडी में बहुत सारे जैसे स्केलेटन है, ऐसे हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी डिफरेंट जॉब्स करती है और उसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गन्स तो हम देख सकते हैं लेकिन जो बाहर हमें नज़र आ रहे होते हैं, हमारे आइज है, नोज है, हैंड है, लेकिन कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और हमें नज़र नहीं आते. नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 4. ओके चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 4 एंड स्टार्ट रीडिंग. यू हैव अ ब्रेन, यू यूज इट टू थिंक विथ. इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस. You have a heart, it pumps blood to all parts of your body. You have a pair of lungs, you use them to breathe air in and out of the body. You have a stomach, it helps you digest your food. बेटा हमारे ये 4 मेन पार्ट्स हैं, हमारा ब्रेन जिसके ज़रिए हम सोचते हैं और वो हमें ब्रेन ही हमें एक्शन बताता है. इस वक्त हमें हाथ उठाना है, हाथ को फोल्ड कर लेना है. फिर नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट क्या है बेटा? हमारा हार्ट. हार्ट क्या है? ब्लड को, हमारे ब्लड को पंप करता है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को सप्लाई करता है. द नेक्स्ट बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट इज आर लंग्स. और लंग्स क्या करता है? हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में, सांस लेने में. देन यू हैव अ स्टमक, फिर हमारा स्टमक आता है जो कुछ भी हम खाते हैं फूड को डाइजेस्ट करता है. ओके, स्टार्ट रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंसेस. वी यूज द सेंस organs to sense things around us. बेटा ये हमारे 5 मेन बॉडी के सेंसेस हैं जिसके ज़रिए हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उसको महसूस करते हैं. अब एयर से क्या करते हैं बेटा? एयर हमारा जो है वो हमें सुनने में मदद करता है. आइस हमारी हमें देखने में मदद करती हैं. नोज किसी भी चीज़ को स्मेल करने में. टंग से हम क्या करते हैं बेटा? हम टेस्ट करते हैं. और हमारी फिंगर्स या हमारा आर्म हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को टच करने में. विद द सेंस ऑर्गन्स वी कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. अब बेटा आप मुझे बताइए कि आपके पास जितने आपके बॉडी पार्ट्स हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में. अब सबसे ज़्यादा आपका कौन सा बॉडी पार्ट आप महसूस करते हैं कि आप वो यूज़ करते हैं? थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर. नाउ रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. अल्लाह हाफिज़.